तो गाइस देखिए, ये है वंदना जी का स्टूडियो और यहाँ इतना ही मतलब कि हार्ड वर्क करती हैं। लोगों को लगता है कि बहुत ही मतलब कि आसानी से गाना गाया जाता है या फिर वीडियो बनाया जाता है यूट्यूब पे आने पे। लोगों को का सोच ये रहता है ना कि मतलब कि बहुत आसान काम है, और रियलिटी यही है कि बहुत ही हार्ड वर्क इस पर रहता है। कि मतलब सबसे ज़्यादा तो एक हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कि मतलब कि घर को, बच्चों को, फैमिली को संभालते हुए। और इस क्षेत्र में आने के बाद पहले तो शायद मुझे भी ये लग रहा था कि बहुत मतलब कि इस पर कम टाइम लगता है, लेकिन अब मैं भी आई हूँ तो मुझे भी लगता है कि सच में बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर करना पड़ रहा है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने यहाँ की सबकी फेवरेट जो है वंदना दुबे जी को मैं दिखाने जा रही हूँ। आप लोगों को मैं पहले भी दिखाई थी एक बार वीडियो में, इनके साथ में बनाई थी। और ये हमारी प्यारी वंदना जी हैं, जो कि बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। और मतलब कि इनका स्ट्रगल मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी कि ये मतलब कि शुरू से कैसे यहाँ तक पहुँची हैं और ये क्या की, कैसे की, सारी इनकी स्ट्रगल जो है जितना अभी तक अपने चैनल पे के जरिए ये अपना की हैं, सब कुछ मैं इनसे पूछूंगी। और ये भी बताने थोड़ा सा कृपया करिएगा कि मेरे व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा सा जानना था, तो सोची कि चलो मैं दिखाऊं। और ये है इनकी प्यारी सिस्टर जो है अर्चना जी। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूँ अर्चना तिवारी और आप सभी को दिल से प्रणाम। तो चलिए गाइज, मैं बैक कैमरा कर रही हूँ और मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ कुछ क्वेश्चन, और ये लोग थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। तो देखिए गाइज, ये हैं और आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए कि मतलब अचानक से कैसे यहाँ तक पहुँची और कितने साल से इस पे काम कर रही हैं। दीदी हमें 1 अप्रैल को 2 साल हो जाएगा। अच्छा, 2 साल से। सोचिए गाइस कि 2 साल में इतना फेमस हो चुकी हैं। काश हम लोग भी हो जाए, पता नहीं कब क्या होगा, किस्मत में भगवान क्या लिखे हैं। और 2 साल में ये सेलिब्रिटी बन चुकी हैं हमारे जौनपुर की जो हैं, ये मतलब कि क्या बताएं, बहुत ही जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, आप सबका सपोर्ट है। और आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना सपोर्ट किया कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी 2 साल अप्रैल में पूरा होगा। अभी 2 साल नहीं हुआ, चैनल खुले 2 साल हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं कि चैनल खुले, वही तो। तो मतलब कि कैसे गाने का विचार मतलब कब से आया, कैसे मतलब? दीदी जैसे कि हम पहले गुजरात में रहते थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जो है आप समझ सकती हैं, जैसे मैं गांव में पहले रहती थी तो इतना टाइम नहीं मिलता था, आप समझ सकती हैं। हाँ, समझ रहे हैं। तो जब मैं गुजरात में गई तो वहाँ जब हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे, फिर उसके बाद बच्चे को लेके मतलब अपने अकेले रहना, अकेले रहना, तो मोबाइल चलाती थी। तो बड़ा मोबाइल था पहले, तो बड़ी मोबाइल मिली नहीं थी। तो बड़ी मोबाइल जब मिली उसमें नेट पड़ा, तो उसमें मतलब देखती थी सब लोग बैठ के गीत गाना, जो अपनी परंपरा गीत है, तो ये सब सारी गीत हमें भी आता था। मैं भी बचपन से बहुत गीत गाती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हम भी तो ये सब सारी गीतें जानते हैं। तो हम भी क्यों ना चैनल खोलें और गीत गाएं। तो इसी में मैं अपने हस्बैंड से पूछी और बोली कि मुझे भी भाई चैनल खोलना है और हम भी बैठ के गीत गाएंगे। तो वो भी माना नहीं कि क्योंकि ये मतलब हम बोले कि हमें सिर्फ बैठ के गीत गाना है, कौन सा मतलब सही बात है, कुछ गलत थोड़ी ना करना है। नहीं, तो वो भी बोले ठीक है। वो सब बोल रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला इससे, मेरे भाई भी, मेरे हस्बैंड भी बोले कि भाई शौक है तो करिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, अगर करना है कुछ आगे करिए उन लोगों का कहने का। तो जब मैं चैनल खोल दी, 1 अप्रैल का मेरा चैनल खुला था, और नवरात्रि में पता नहीं कितना तारीख, 8 तारीख से गाना पढ़ना, 8 अप्रैल से गाना पढ़ना चालू हुआ। अच्छा अच्छा। तो शुरू से ही मुझे प्यार मिलने लगा, पता नहीं क्यों। 4-5 दिन मैं वहाँ गुजरात में थी, उसके बाद मेरा टिकट था गांव पे आने का। अच्छा। लगन था मई में मेरा, अप्रैल में चैनल खुला था, मई में मैं आ गई थी गांव पे। तो यहाँ मेरी सिस्टर जो है यहाँ घर पे रहती थी, अर्चना जी। हाँ, तो ये घर पे थी, तो हम यहाँ तब जब आए तब हम इनसे बोले कि चलो मतलब साथ में गाना गवा लीजिए। मैं पहले अकेली शुरू की थी। तो जब हम शादी विवाह गीत दोनों बहन एक साथ में गए, तो बहुत तेजी से मेरा गाना चलने लगा, जैसे कोई पहली बार गा रहा हो। हाँ, उसको लोग पसंद करने लगे, वायरल हो गया। तो
हम लोग इतना सोचे ही नहीं थे कभी। हम सोचे जाने दो चैनल खोल लेते हैं, जैसे सब गा रहे हैं वैसे हम भी गाएंगे, हाँ। जब नसीब में होगा तो बढ़ेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कौन सा हमारा पैसा लगा। वही तो, हाँ सही मैं ऐसा सोच रही हूँ, अपनी सोच बता रही हूँ। हाँ, सब लोग सोचते हैं, यही सोचते हैं, कौन सा मेरा पैसा लग रहा है, ऐसे गाना गाते रहेंगे, सब सब सबका भला हो रहा है तो हमारा भी किसी न किसी दिन तो के जान हो सकता है, बड़ी नहीं होगा तो नहीं होगा। तो लेकिन तुरंत से ही मेरा चैनल, मेरा अप्रैल में चैनल खुला था, मई में मेरा पेमेंट आ गया था, इतना सब इतना जल्दी किसी का भी नहीं, चैनल नहीं हुआ है। सही बात है, सब बहुत स्ट्रगल किए हैं, हाँ। बड़े बड़े यूट्यूबर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं, तो कुछ टाइम तो लगा है। लेकिन मुझे मेरे गाने को बहुत सपोर्ट मिला, बहुत लोगों ने पसंद किया और आज तक भी पसंद करते हैं, और बहुत अच्छा लगा। अप्रैल में चैनल खुला था और अप्रैल में ही मोनेटाइज हो गया था, मई में मेरा पेमेंट आ गया था। तो ये सब जनता का प्यार है, और कहीं ना कहीं हम भी बहुत परेशानी झेले हैं, परिवार के साथ भी, माँ बाप के साथ भी, हम एक छोटे गरीब परिवार से हैं, तो शायद भगवान ने ऐसा सोचा कि चलो ऐसे परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे हमारा सहारा कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड जो गुजरात में ड्यूटी करते थे 15,000 रुपये पाते थे, पहले बहुत कम था, अब के समय में 15,000 पाते थे, उसमें रूम भाड़ा, बच्चे को ट्यूशन फीस, छोटे अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं और ज़्यादा फीस लगती है, पहले उतना ही फीस हम नहीं भर पाते थे। इसलिए मैं चैनल खोल दी कि हम अपने चैनल से अगर हो जाएगा नसीब रहेगा तो बढ़ेगा, लेकिन नसीब की मत पूछो, जैसे लोग बोलते हैं ना, देने वाला जब भी देता है छप्पन फाड़ के, तो छप्पन फाड़ के ही मुझे मिला है, मुझे मिला जनता है। का प्यार। तो आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, हमेशा ही आभार रहूंगी आप सबका। तो भैया भी मतलब कि तब से मतलब यही है कि छोड़ दिए, जब मेरा चैनल तुरंत ग्रो कर दिया और इतना सपोर्ट मिलने लगा, मई में चैनल खोला, पेमेंट आ गया, सही तो आप समझ सकती हैं कि 14-15 हज़ार कमाने वाला इंसान जब आगे पेमेंट अच्छा पेमेंट उठाने लगा, तो हम सब सोचे क्यों, मतलब मेहनत बहुत पड़ती थी ना उनको, नहीं सही बात, ड्यूटी करना 12 घंटा ड्यूटी करते थे, मशीन चलाते थे, कच्चा धागा मतलब निकालते थे, बहुत मेहनत पड़ती थी उनके ऊपर, तो मैं छुड़वा दी, मैं बोली जाने दीजिए, हाँ। इसी में जब 15,000 में खा लेते थे तो उससे अच्छा पेमेंट आ रहा, तो हाँ। हम अप, इसी में अपना गुजारा कर लेंगे, बिल्कुल सही। तो उनको ड्यूटी छोड़ दी, हम लोग यहीं पे अब शिफ्ट हो गए हैं। बढ़िया है। और देखिए गाइस, मतलब कि आज इनका ऐसा हो गया है कि खुद का अपना स्टूडियो बना ली, और लोगों को मतलब कि जब मैं खुद बताती हूँ ना अपने जान पहचान के अपने व्यूवर्स को कि मतलब कि इनका खुद का स्टूडियो है, और आज काफ़ी सपोर्ट लोग लोगों को करती हैं ये, तो वंदना जी जानती हैं मतलब कुछ मेरे रिलेशन के लोग, कुछ मेरे व्यूवर्स जो ऐसे हैं यूट्यूबर हैं, कि वो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ के मतलब कि जौनपुर की इतनी सपोर्टिव हैं, और हम लोगों के यहाँ के तो ऐसे बड़े यूट्यूबर हैं कि वो लोग मतलब घास नहीं डालते हैं किसी को, कि मतलब बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि पूछते नहीं, भाव नहीं देते हैं। तो मैं बोली यार उनका नेचर थोड़ा सा हट के है कि मतलब कि वंदना जी हैं, सबको सपोर्ट करती हैं, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं। और ये अर्चना जी हैं, और ये भी देखिए कितनी स्माइल इनकी, कितनी प्यारी कितनी क्यूट है। तो आप भी इनके साथ मतलब तब से लगी हैं साथ में दोनों बहनें, और ये आप दोनों एकदम सगी बहनें हैं ना जी, एकदम दोनों सगी बहनें हैं। तो देखिएगा इस कितनी प्यारी है, तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगी, कुछ बताइए मतलब कि आपका ससुराल यहीं पास में है कि कहीं दूर है? यहाँ से 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर अभी मतलब कंटिन्यू यहीं रहती हैं? नहीं, आते जाते हैं डेली, डेली वहाँ से आना जाना रहता है। सोचिए गाइस कि मतलब कि लोगों को लगता है ना कि पैसा बहुत आसानी से मिलता है, तो पैसा आसानी से नहीं मिलता है। आज जान लीजिए सुबह से ये सिर्फ सबको सपोर्ट कर रही हैं, और अभी तक ये खाना तक नहीं खाई हैं, और मतलब कुछ भी नहीं, चाय पी के बैठी हुई हैं सुबह से। और मेरे साथ हमारा ऐसे ही होता है, सुबह से भीड़ लग जाती है तो सबको गाना देना छोड़ना, सब दूर दूर से आते हैं। सही अब बात तो आई नहीं थी, नहीं तो आपको नंबर ही नहीं लगता है, तो नहीं, नहीं। आप लेट में आई, हाँ। तो अभी शाम हो गया है, हाँ हाँ, तो सुबह से बैठे बैठे थक गए, अभी एक लोग बची हैं उनको भी गाना देके। सही बात है, अभी एक लोग दीदी हैं, तो चलिए। तो गाइस देखिए जो है आज का ब्लॉग मैं वंदना जी के साथ का एंड कर रही हूँ, और इन लोगों से मिलकर सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं भी आई थी अपने गांव, और आज मुझे कुछ यहाँ काम था, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा इनसे मिलते हैं, और मेरा भी कुछ आप लोग उद्धार करिए, पता नहीं कब क्या किस्मत साथ देगा, भगवान जाने।
तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वंदना जी और अर्चना जी जो हैं आप लोगों को कैसी लगी हमारी जौनपुर की। ये जान लीजिए दोनों बहनें बहुत ही सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, मतलब कि कोई भी खास प्रोग्राम अगर कोई कुछ करता है तो इन लोगों को ज़रूर सब इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। और मतलब कि लोगों का ये होता है ना कि बहुत सारे लोगों का सोच ये होता है कि मैं इस टॉपिक पे बहुत पहले भी बात कर चुकी थी कि बहुत सारे लोगों का सोच ये रहता है कि यूट्यूब मतलब कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब पे क्या है कि अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं, तो मतलब इस पे जिस टाइप का आप काम करना चाहेंगी वैसे लोग वहाँ मिलेंगे। और आपको मैं एक वर्जिनिटी बताऊँ, अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरी अम्मा जी मतलब मेरी सासू माँ मेरे साथ आ रही थी, गाँव जा रही थी, तो शायद वो कल परसों में आपका मतलब अम्मा और पिताजी अपने फ़ोन में आप लोगों का वीडियो देखे थे। तो मैं आते टाइम रास्ते में मुझसे वो लोग बता रहे थे कि अर्चना और वंदना उन लोगों का देखिए वीडियो मैं देख रही थी, मतलब पिताजी मेरे ससुर जी मुझे मेरे बोल रहे थे कि उन लोगों का सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा कि सर पर से पल्लू नहीं हटा कि मतलब कि इन दोनों लोगों का क्या होता है कि वीडियो इतनी फेमस हो चुकी है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर पर से पल्लू नहीं हटती है और ये लोग ऐसे ही बनाते हैं वीडियो। तो आपका जो कल्चर है, जो संस्कार है, बहुत सारे लोग हैं कि स्लीवलेस पहन के वीडियो बना रहे हैं, हाफ कपड़े पहन के बना रहे हैं, या फिर मतलब कि बहुत मतलब गंदे भी लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अच्छी चीज़ों की जानकारी लेना चाहें तो आप अच्छी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी आपको मतलब कि कहीं से भी अदर जगहों से नहीं ढूंढना पड़ता है। प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर चीज़ की जानकारी यूट्यूब से मिल जाएगी। तो उसका एग्जांपल आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब कि इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के बावजूद भी देखिए इनकी इतनी संस्कार है। हालाँकि सर पे पल्लू तो मैं भी नहीं रखती हूँ, अपने घर में रखती हूँ, मतलब कि ससुर जी के सामने मतलब घूंघट निकालना पड़ता है हमें भी जेठ के सामने, लेकिन ऐसे मतलब वीडियो बनाती हूँ तो ब्लॉग डेली रूटीन ब्लॉग डालते हैं तो कुछ भी करते रहते हैं तो हमेशा सर पे पल्लू लेके नहीं हो पाता है मेरा, तो फिर मेरे से तो नहीं पॉसिबल हो पाता है। लेकिन ये है कि भाई अच्छा लगता है, जैसे कि हमारे यूपी में हमारे जौनपुर का ये संस्कार है कि सर पे पल्लू लेके हम लोग काम करते हैं। मैं भी अपने घर में सर पे पल्लू लेके काम करती हूँ, मतलब कि ससुर जी के सामने जेठ के सामने इतना तक घूंघट निकालना पड़ता है मुझे। मैं कभी मतलब कि पब्लिक प्लेस पे नहीं आई हूँ घूंघट में, उन लोगों से थोड़ा सा हट के रहती हूँ तब मैं वीडियो बनाती हूँ चोरी छिपे, क्योंकि भाई लोगों को ये लगता है ना कि अरे बहुत मतलब घूंघट निकाल के वीडियो बनाती हैं, तो काफ़ी लोग इसको भी पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या करें। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग मैं इन लोगों के साथ एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि इन लोगों से मिल के ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कुछ बोलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके प्यारा प्यारा सा बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे वीडियो को आप लोग हमेशा सपोर्ट करिए। और मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, जो अच्छे गीत गाते हैं, जो अपने संस्कार में रह के अपने परिवार को साथ लेके चलते हैं, उनका सपोर्ट करिए, उनके चैनल को सपोर्ट करिए। जो गंदा वीडियो बनाते हैं उनके बिल्कुल सपोर्ट मत करिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और जो आप लोग गंदे वीडियो बनाते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है जो गंदे वीडियो बना रहे हैं उनको ज़्यादा आप लोग सपोर्ट देते हैं, इसीलिए उनका मन बढ़ता है, इसीलिए गंदगी फैल रही है। फिर आप लोग बोलते हैं ऐसा वैसा, तो कमियां आप सबके अंदर मतलब वायरल भी वही करते हैं जी, बिल्कुल पब्लिक ही वायरल भी कर रहा है और मतलब कि उनको गंदे वर्ड भी यूज कर रहे हैं बिल्कुल। तो आप लोग तो वायरल भी नहीं करते कोई, इससे बचने की जरूरत है। तो चलिए गाइस आज के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय। फुल वॉच करके वीडियो देखिए।